सिविल इंजीनियर के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित टॉप 10+ एमसीक्यू क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल फॉर एनसी कॉन्टोरिंग इज, एनसी कॉन्टोरिंग का उदाहरण कौन सा है इसमें से। इसका आंसर है कंटिन्यूअस पाथ पोजिशनिंग। एनसी कंटूरिंग में कंटिन्यूअस पाथ पोजिशनिंग होता है, निरंतर पथ स्थान निर्धारण किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कंटिन्यूअस पाथ पोजिशनिंग। एन एग्जाम्पल फॉर एनसी कंटूरिंग इज कंटिन्यूअस पाथ पोजिशनिंग। इसका डिस्क्रिप्शन है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म द मशीनिंग ऑपरेशन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टूल एंड वर्क पीस मस्ट बी कंट्रोल्ड। इन एनसी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन कंट्रोल सिस्टम। तीन टाइप के मोशन कंट्रोल सिस्टम होता है। एक होता है कंटूरिंग एनसी। कंटूरिंग एनसी इज द मशीन टूल कंट्रोल विच इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सिमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ मोर देन वन एक्सिस मूवमेंट ऑफ द मशीन टूल। एक एक्सिस के द्वारा मूवमेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है मिलिंग एंड टर्निंग ऑपरेशन। कंटूरिंग एनसी में आता है मिलिंग एंड टर्निंग ऑपरेशन। इसमें एक एक्सिस पर मूवमेंट होता है। सेकेंड, इसमें पॉइंट टू पॉइंट एनसी। मशीन टूल कंट्रोल सिस्टम मूव द कटिंग टूल टू अ प्री डिफाइंड लोकेशन। आपको एक लोकेशन पर पॉइंट टू पॉइंट इसमें मूवमेंट करते हैं, कटिंग टूल को लगाते हैं। जैसे कि ड्रिलिंग प्रोसेस। ड्रिलिंग प्रोसेस में इसमें क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट से प्रोसेस होती है। थर्ड है इसका स्ट्रेट एनसी। स्ट्रेट कट एनसी का मतलब होता है कटिंग टूल मूव्स पैरेलल टू वन ऑफ द मेजर एक्सिस एट अ कंट्रोल रेट। कंबाइंड मूवमेंट्स इज मोर देन वन सिंगल एक्सिस डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। इसमें कोई भी सिंगल एक्सिस डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं होता है। इसमें स्ट्रेट कटिंग होती है, इसको हम स्ट्रेट कट एनसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डबल थ्रेडेड स्क्रू द लीड इज टू टाइम्स ऑफ द। डबल थ्रेडेड स्क्रू में लीड दो टाइम किसमें होता है। इसका आंसर है पिच। इन अ डबल थ्रेडेड स्क्रू द लीड इज टू टाइम्स ऑफ द पिच। डिस्क्रिप्शन है, लीड इक्वल टू होता है ट्रेवल्ड एक्सेस डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ स्क्रू। स्क्रू का वन रिवॉल्यूशन जो एक्सेस होता है ट्रेवल का, वो लीड के बराबर होता है। पिच इक्वल टू होता है कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट थ्री। टू एडजेसेंट थ्रेड में कंसेक्यूटिव डिस्टेंस होता है पिच के बराबर। लीड बराबर होता है एन इंटू पिच, नंबर ऑफ पिच एन इंटू पिच होता है। और एल एन जहां पर होता है नंबर ऑफ स्टार्ट थ्रेड। लीड इक्वल टू पिच होता है फॉर सिंगल स्टार्ट थ्रेड के लिए। अगर सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो उसमें एन इक्वल टू वन रखा जाएगा तो हमारे पास लीड आ जाएगा। लीड इक्वल टू पिच के बराबर होगा। अगर डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड रूट ऑफ थ्रेड है तो डेप्थ में, तो हमारे पास पी वाई टू आ जाएगा जनरेटिंग। इसका आ जाएगा पी वाई टू डेप्थ के लिए। डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड रूट ऑफ थ्रेड, क्रेस्ट और रूट के थ्रेड के लिए डिस्टेंस होता है पी वाई टू के बराबर होता है जनरेटिंग में। सो लीड इक्वल टू पिच, लीड इक्वल टू फार्मूला एन इंटू पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कैंटिलीवर बीम विथ अ लोड एक्टिंग एट एंड पॉइंट द स्प्रिंग स्टिफनेस इज गिवन बाय। कैंटिलीवर बीम में जब पॉइंट लोड एक्ट कर रहा हो तो उस पर स्प्रिंग स्टिफनेस क्या होगा। इसका आंसर है के यू की इक्वल टू थ्री ई आई अपॉन एल बेस टू क्यू न्यूटन पर mm। ये होता है इक्विवेलेंट स्टिफनेस होता है, स्प्रिंग स्टिफनेस का फार्मूला हो जाएगा थ्री ई आई अपॉन एल बेस टू क्यू न्यूटन पर mm। कैंटिलीवर बीम में पॉइंट लोड के लिए जो स्प्रिंग स्टिफनेस होता है वो होता है इक्विवेलेंट स्टिफनेस इक्वल टू थ्री ई आई अपॉन एल बेस टू क्यू न्यूटन पर mm। सो क्वेश्चन है, इन अ कैंटिलीवर बीम विथ अ लोड एक्टिंग एट एंड पॉइंट द स्प्रिंग स्टिफनेस इज गिवन बाय। आंसर हो जाएगा के यू की इक्वल टू थ्री ई आई अपॉन एल बेस टू क्यू न्यूटन पर mm। डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है, इन अ कैंटिलीवर बीम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फ्री एंड के लिए अगर हमको देखा जाए तो कैंटिलीवर बीम आपको दिख रहा है, इसमें पॉइंट लोड डब्ल्यू है। तो पॉइंट लोड डब्ल्यू है तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होगा इसका फार्मूला हो जाएगा डब्ल्यू एल बेस टू क्यू अपॉन थ्री ई आई। ये होता है कैंटिलीवर बीम में पॉइंट लोड के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाई मैक्स इक्वल टू डब्ल्यू एल बेस टू क्यू अपॉन थ्री आई होता है। जब यूडीएल के लिए बात आ जाती है तो यूडीएल के लिए होता है फार्मूला वाई मैक्स इक्वल टू डब्ल्यू एल बेस टू फोर अपॉन एट ई आई। ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है यूडीएल के लिए, वो पॉइंट लोड के लिए होता है, ये यूडीएल के लिए होता है। सो बीम स्टिफनेस का फार्मूला था के
इक्विवेलेंट इक्वल टू स्प्रिंग स्टिफनेस इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डेल लोड अपॉन डेफ्लेक्शन होता है। के यू की यू क्यू इक्वल टू लोड डब्ल्यू अपॉन डेफ्लेक्शन है डब्ल्यू एल वेस्ट क्यू अपॉन थ्री ई आई। ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी डेफ्लेक्शन का। तो डेफ्लेक्शन का हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो की यू क्यू इक्वल टू हो जाएगा थ्री ई आई अपॉन एल वेस्ट क्यू, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट स्टिफनेस है जो के यू क्यू इक्वल टू थ्री ई आई अपॉन एल वेस्ट क्यू, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ द कर्व रिप्रेजेंटिंग को एक्सिस्टेंस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इज। प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ में जो कर्व रिप्रेजेंट किया जाता है और लिक्विड और सॉलिड के लिए क्या किया जाता है, इसका आंसर फ्यूजन कर्व। इन अ प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ द कर्व रिप्रेजेंटिंग को एक्सिस्टेंस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इज फ्यूजन कर्व। डिस्क्रिप्शन है इसका, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ द फ्यूजन कर्व रिप्रेजेंटिंग को एक्सिस्टेंस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड एंड सॉलिड के लिए को एग्जिस्टेंस के लिए हमारे पास प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ में फ्यूजन कर्व के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। द स्लोप ऑफ फ्यूजन कर्व ऑफ वाटर इज नेगेटिव। वाटर में स्लोप ऑफ फ्यूजन कर्व जो होता है वो नेगेटिव लिया जाता है। एक्सेप्ट वाटर अदर सबस्टेंसेज फ्यूजन कर्व स्लोप है पॉजिटिव। जो सबस्टेंस होता है फ्यूजन कर्व में वो स्लोप पॉजिटिव होता है इसमें। इसको डायग्राम में देखेंगे, ये ग्राफ डायग्राम है, ये पी प्रेशर है, वॉल्यूम डायग्राम है, पीबी डायग्राम है प्रेशर वॉल्यूम। इसमें हमारे पास ये सॉलिड दिया हुआ है, एस का मतलब एल का मतलब लिक्विड होता है। सो यहाँ पर हमारे पास एक ये लाइन जो है इसको फ्यूजन कर्व बोलते हैं, ये सब्लिमेशन लाइन बोलते हैं, इसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, और ये होता है जो ये सेचुरेशन लिक्विड लाइंस होता है। सो इसमें हमारे पास सेचुरेटेड लिक्विड सॉलिड लाइंस फ्यूजन कर्व की, और ये वाली लाइन को हम बोलेंगे सेचुरेटेड लाइन सॉलिड लाइंस। एंड ये जो दो लाइन है इसको हम बोलेंगे सेचुरेटेड लिक्विड लाइंस, और ये जो होता है हमारे पास ये होता है ट्रिपल पॉइंट लाइन, और ये होता है सब्लिमेशन। तो यहाँ पर होता है सॉलिड, यहाँ होता है सॉलिड प्लस लिक्विड, और यहाँ होता है लिक्विड प्लस बॉल, और ये होता है सॉलिड प्लस वेपर। सो इस टाइप से हमारे पास इसमें पीवी डायग्राम बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैविटेशन रिजल्ट्स ड्यू टू, आंसर हो जाएगा चेंज इन प्रेशर। कैविटेशन रिजल्ट चेंज इन प्रेशर के लिए निकाला जाता है। डिस्क्रिप्शन है कैविटेशन रिजल्ट्स ड्यू टू चेंज इन प्रेशर। कैविटेशन इज डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स इन द रीजन वेयर प्रेशर रीचेस टू वेपर प्रेशर एंड कोलैप्सेस ऑफ दीज बबल्स विद साउंड व्हेन इट रीचेस इन द हायर प्रेशर जोन। जब बबल हायर प्रेशर में होते हैं तो उसको साउंड जो होता है उसको हम कैविटेशन बोला जाता है, कैविटेशन, और इसे प्रेशर के लिए चेंज इन प्रेशर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फ्लूइड प्रेशर ग्रेटर देन वेपर प्रेशर टू अवॉइड कैविटेशन में कैविटेशन नंबर थॉमाज नंबर इक्वल कैविटेशन फॉर्मेशन ऑफ बबल। तो थोमा नंबर अगर बढ़ता है तो कैविटेशन डिक्रीज होता है, अगर थोमा नंबर इसका कम होता है तो इसका कैविटेशन नंबर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पैसेज कनेक्टिंग पोरिंग बेसिन एंड गेट इज कॉल्ड, आंसर हो जाएगा स्प्रू। अब पैसेज कनेक्टिंग पोरिंग बेसिन एंड गेट इज कॉल्ड स्प्रू। डिस्क्रिप्शन है अब पैसेज कनेक्टेड पोरिंग बेसिन एंड गेट इज कॉल्ड स्प्रू। अगर जो बेसिन और गेट के लिए पोरिंग कनेक्टेड होता है उसको स्प्रू बोला जाता है। डायग्राम हमारे पास ये दिया हुआ है, इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे। इसमें हमारे पास डायग्राम होता है, यहाँ पर ड्रेक और ये कोप, ये राइजर होता है, यहाँ पर पॉजिंग बेसिन होता है, और इसको हम बोलते हैं स्प्रू, और इसको रनर एरिया बोलते हैं, और इसको गेट एरिया बोलते हैं। तो हमारे पास ये डायग्राम बनाया जाता है। इस डायग्राम के स्प्रू एरिया के लिए पॉजिंग बेसिन जो होता है इसके द्वारा स्प्रू एरिया से होती है, रनर से होते हो गेट के द्वारा, और राइजर ये इसका डायग्राम होता है। स्प्रू फीड्स मेटल टू द रनर विच इज टर्न रीचेस द कास्टिंग थ्रू गेट्स टू अवॉइड एयर एस्पायरेशन इफेक्ट। बेस्ट शेप इज पैराबोला बट बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टीज दिस शेप ऑफ स्प्रू इज कंसिडर्ड एज टेपर्ड सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मीजर। पीजोमीटर के द्वारा वो कौन सी डिवाइस है जिसके द्वारा इसको मीजर किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर। पीजोमीटर के द्वारा प्रेशर को मीजर किया जाता है। सो पीजोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मीजर प्रेशर। सो डिस्क्रिप्शन
पीजोमीटर के लिए इट इज सिंपल मैनोमीटर। पीजोमीटर एक साधारण टाइप का मैनोमीटर होता है। इट इज यूज टू मेजर मॉडरेट प्रेशर। इसका इस्तेमाल हम मॉडरेट प्रेशर को मेजर करने के लिए कर सकते हैं। इट मेजर्स ओनली पॉजिटिव गेज प्रेशर। इट इज नॉट सुटेबल फॉर मेजरिंग नेगेटिव गेज प्रेशर एंड प्रेशर ऑफ गैसेज। पीजोमीटर के द्वारा हम सिर्फ पॉजिटिव गेज प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, इसके द्वारा हम नेगेटिव गेज प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते, और इसके अलावा गैस के प्रेशर को भी मेजर नहीं किया जा सकता। इन पीजोमीटर वी डोंट रिक्वायर मैनोमेट्रिक फ्लूइड। इसके लिए मैनोमेट्रिक फ्लूइड की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रेशर पी इक्वल टू होता है रो इंटू जी इंटू एच, जहां पर रो डेंसिटी होता है, जी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और एच होता है हाइट। तो इसके द्वारा हम इसको करते हैं, प्रेशर जब मेजर करते हैं तो रो जी एस देते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ केस वेयर द डिस्चार्ज इज लो विच इज द फॉलोइंग नोच आर वेयर गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट। इसका आंसर ट्रायंगुलर नोच। फॉर अ केस वेयर द डिस्चार्ज इज लो विच ऑफ द फॉलोइंग नोच आर वेयर गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट। ट्रायंगुलर नोच में सबसे अच्छा रिजल्ट आता है उसके लिए जो एक्यूरेट रिजल्ट देता है इसके लिए डिस्चार्ज के लिए, तो ट्रायंगुलर नोच आ जाएगा इसका आंसर। डिस्क्रिप्शन है, फॉर मेजरिंग लो डिस्चार्ज बेस्ट नोच इज ट्रायंगुलर नोच। अगर लो डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए सबसे बेस्ट नोच होता है वो ट्रायंगुलर नोच होता है। डिस्चार्ज इक्वल टू मापने का होता है 8/15 सी डी अंडर रूट 2g एच बेस टू 5/2 10 थीटा बाई 2। ये इसका फार्मूला होता है डिस्चार्ज मापने के लिए। डिस्चार्ज क्यू इक्वल टू फार्मूला होता है ये 8/15 सी डी अंडर रूट 2g एच बेस टू 5/2 इंटू 10 थीटा बाई 2, जहां पर थीटा होता है इनक्लूड एंगल ऑफ नोच। जो नोच का एंगल होता है उसको थीटा से नोट करते हैं। एच होता है स्टिल वाटर हेड, वाटर का जो हेड होता है उसको एच से नोट करते हैं। फॉर मैग्नियम डिस्चार्ज अगर निकालना हो तो इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला हो जाएगा क्यू इक्वल टू 8/15 सी डी अंडर रूट 2g एच बेस टू 5/2। ये मैग्नियम डिस्चार्ज के लिए यूज होता है।